केंद्र सरकार के 20 लाख करोड़ रुपए के विशेष आर्थिक पैकेज में से मछली पालन के लिए 20,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। यह ऐलान केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज जारी की गई तीसरी किस्त का ब्यौरा देते हुए किया। साथ ही डेयरी उद्योग के लिए 15,000 करोड़ की घोषणा की गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तीसरी किस्त के ऐलान में क्या हो सकता है इसका आज ब्यौरा रखा गया है। और बड़ी बात जो सामने आई है वो ये है कि 20 लाख करोड़ रुपए के विशेष आर्थिक पैकेज में से मछली पालन के लिए 20,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। और इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि डेयरी उद्योग के लिए 15,000 करोड़ की घोषणा की गई है। For fisheries related activities, because many of them had overseas contracts in getting the brood stock or in getting some of the consignments which were coming from abroad. All the deadline extensions have been honored. The validity for SIP, sanitary import permits for import of shrimp brood stock, was extended by 3 months. We have also condoned the delay of 1 month in the arrival of brood stock consignments. And for all the quarantine cubicles which were booked, but because of the delays, they were going to have to forfeit the monies that they paid, we allowed rebooking at no extra or additional charge. All this has been respected, and also the verification of the documents for grant of NOC for quarantining has also been relaxed from 7 days to 3 days. So very many measures which will help shrimp farmers, marine farmers and also coastal farmers, which were given the kind of extension because of the lockdown, have all been extended duly, and help and assistance have been extended as promised. 15,000 crores will be spent for dairy infrastructure. This will help, and we also hope that many private investments can also come into this area, because it has great potential for export, great potential within India for the market. Various items, whether it is milk or powdered milk or butter, ghee, or even any cheese varieties which we need for domestic or for international consumption, are all possible. So we aim to support private investment also in dairy processing, value addition, and also for cattle feed infrastructure. हमारा किसान बाढ़ हो, बारिश हो, तूफान हो, आंधी हो, अपना पसीना बहाकर 137 करोड़ भारतीयों का पेट तो भरता ही है, लेकिन उसके साथ साथ एक्सपोर्ट करने में मदद करता है। लेकिन भंडारण की कमियां होने के कारण कई बार, और मूल्य संवर्धन के अवसर ना होने के कारण कमी रह जाती थी। उस कमी को पूरा करने के लिए 1,00,000 करोड़ रुपये का कृषि आधारभूत ढांचा बनाने के लिए ये योजना लाई गई है, जिसमें चाहे कोल्ड चेन हो या फसल कटाई के बाद प्रबंधन करने के लिए जो भी सुविधाएं वैल्यू चेन के लिए बनानी है वो उसमें बनाई जाएंगी। और इससे लाभ मिलेगा मूल्य संवर्धन के लिए भी, भंडारण की क्षमता बढ़ाने के लिए भी, और कुल मिलाकर किसान की आय को भी इसमें बढ़ोतरी मिलेगी। और भारत न केवल अपनी मांग को पूरी कर पाएगा, एक्सपोर्ट करने में भी इसकी आने वाले समय में बहुत मदद मिलेगी। प्रवासी मजदूर, उनकी समस्याओं को लेकर बहुत सारे मोदी सरकार की ओर से उनके लिए कदम उठाए, तो उसमें दो बातें हमने फार्मर्स के लिए भी, किसानों के लिए भी कही थी। और उसमें 30,000 करोड़ रुपए की जो अतिरिक्त इमरजेंसी वर्किंग कैपिटल कार्यशील पूंजी की हमने बात कही, ये 90,000 करोड़ के अलावा थी, जो किसानों के लिए नबार्ड के माध्यम से लगभग 3 करोड़ परिवारों को इसका लाभ मिलेगा। और 2,00,000 क्रेडिट कार्ड बनाकर उनको लगभग 2,00,000 करोड़ का जो हमने लाभ देना था 2,50,000 करोड़ किसानों को, उसकी विशेष मुहिम चलाई जाएगी। ये पिछले कलम आपने आपके सामने रखा था,